यार मेरे साथ हुआ, मेरे इकोनॉमिक्स में कभी भी 100 में से 99 या 98 या 100 ही आते थे हमेशा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग से गलती कर दी बीकॉम करके। मैं पेपर लिख के आया, मैंने ज्यादा सीटें भर दी होंगी शायद, नंबर आए 3। सच्चाई बता रहा हूं, 3। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरी पाओ के नीचे से ना ऐसे जमीन निकली, और मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरे अंदर कमी है या इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कमी है। मैंने भाई उस दिन ना इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन की डिग्री पे से ना विश्वास उठा दिया। अब डिग्री तो चाहिए, इतना विश्वास उठा दिया कि पेपर से 2 दिन पहले मैं देखता था, अच्छा पेपर है, क्लाइंट प्लेस पे हुआ करता था बरेली द्वारिकेश, अगर बरेली से है कोई, हाँ आपके वहां पे शुगर मिल है द्वारिकेश, मैं वो क्लाइंट कर रहा था बेटा, कल पेपर है, वहां से रात को 12 बजे के आसपास गरीब रथ चलती है, गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली आती है, स्टेशन जाता था बिना टिकट ही चढ़ जाता था 12 बजे, हम सब सोते थे, ए बहन थोड़ा सा दियो जगह दियो। बैठा दिल्ली आया, पेपर लिया, नाम रोल नंबर लिखा, किस चीज का पेपर है वो भी उसी दिन पता, और जो भी मन में आया, जो क्वेश्चन था बस क्वेश्चन देखा और जो दिल में आया वो लिख दिया, पेपर सबमिट, अगली बार पास। मैं समझ गया सामने वाले को तुम 10-12 पेज से ज्यादा लिख के, मैंने वहां लगा दी थी पिछली बार 6 सीटें। मैंने कहा कर तू चेक, बड़ी दिक्कत हो जाती है भैया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच कर रहे, और उसको थोड़ा लाइट लेकर चलें तो ही सही है, रेगुलर कोर्स के लिए नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, रेगुलर ऐसा नहीं होगा यार, रेगुलर में ऐसे मत बोलो। लो जी टेस्ट